सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 4 से रिलेटेड सभी अपकमिंग अपडेट्स की, लीक्स की, और क्या क्या आपको देखने को मिलने वाले सीजन 4 में, कौन सा नया मैप मिलेगा और कौन सा नया आइटम कैरेक्टर, सब कुछ। वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बगल बेल नोटिफिकेशन है क्लिक करके और प्रेस कर दो ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गाइस बात करते हैं इन अपडेट्स की। सो मेरे भाई, सबसे पहला अपडेट है वो ऑपरेटर स्कूल को लेके। सबसे पहले K9 यूनिट आपको देखने को मिलेगी, जो कि 100 RC के एक आप दूसरा वर्जन बोल सकते हो उसे, एंड काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। आपके आसपास जो भी एनिमी होगा उसे लोकेट करेगा, फाइंड करेगा एंड फिर एनिमी को डैमेज करेगा। ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है और गाइस ये 100% कन्फर्म है कि ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 4 के अपडेट के साथ आएगी। अब बात करते हैं गाइस अगले अपडेट की, सेकंड लीक है गाइस न्यू मैप को लेके। न्यू मैप हमारा आने वाला है डोम, जो कि मल्टीप्लेयर में होगा, ठीक है। एंड गाइस ये जो मैप है हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल मॉडर्न वॉरफेयर 3 से लिया गया है और गाइस करंटली अभी बीटा टेस्टर में, ठीक है, और जल्दी हमें ये देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 4 स्टार्ट होता है वैसे हमें ये न्यू मैप देखने को मिलेगा, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ये समझ लो 90+ चांसेस हैं कि ये आपको देखने को मिल सकता है ये वाला मैप। अब बात करते हैं गाइस अगले लीक की। गाइस अब बात करते हैं तीसरे लीक की। तीसरी लीक है गाइस न्यू पर्क से रिलेटेड, ग्यूंग होन हमारा नया पर्क आने वाला है, जिसका फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा, जब भी आप स्प्रिंट कर रहे हो, वॉक नहीं स्प्रिंट, जब आप स्प्रिंट कर रहे हो तो भी आप इजिली ग्रेनेड को थ्रो कर सकते हो और अपनी वेपन को रिलोड कर सकते हो। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पर्क को लेकर, ठीक है। यानी आप स्प्रिंटिंग करते समय भी आप इजीली अपने ग्रेनेड थ्रो कर सकते हो और साथ में वेपन्स को रिलोड कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सही होने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने ज़्यादा काम में आने वाला है ये नया पर्क। गाइस आज का चौथा अपडेट, न्यू बीआर क्लास आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीआर क्लास है। कैसे भाई खतरनाक है, प्रिंस ऑफ पर्सिया आपने खेला जिसमें टाइम ट्रैवल भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो इसके अंदर गाइस है क्या इस वाले न्यू बीआर क्लास में, इसमें आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो इसका यूज़ करके। अब आप बोलोगे भाई टाइम ट्रैवल क्या, भाई टाइम ट्रैवल कैसे, तो भाई इस वाले क्लास का यूज़ करके, इस नई न्यू बीआर क्लास का यूज़ करके आप 5 सेकंड टाइम में पीछे कर सकते हो, यानी आप गेम को 5 सेकंड पीछे ले जा सकते हो। अगर मान लो आपकी हेल्थ वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, यानी मैं आपको डैमेज करा, तो इसका यूज़ करके आप अपनी जो हेल्थ वापस ला सकते हो, 5 सेकंड पहले वाली पोजीशन में आप आ सकते हो। गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताना ये नया बीआर क्लास आपको कैसा लगा, अजीब सा लगा या फिर कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ये आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। वैसे गाइस काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, ये आपको सीजन 4 में देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता क्या है, वैसे मिलेगा, 90% ज़्यादा चांसेस हैं ये आपको सीजन 4 में देखने को मिलेगा। गाइस आज की हमारी जो नेक्स्ट लीक है वो है गाइस न्यू वेपन को रिलेटेड, न्यू LMG वेपन आने वाली है, हॉलगर 26 LMG, मतलब जो कि सही होने वाली है। अब देखते हैं भाई गेम में आएगा, यूज़ करेंगे उसका, ठीक है, और ये गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब सही होने वाली है। अब भाई देखो इसका यूज़ करेंगे तभी बताएंगे क्या कुछ है इसके अंदर, फिलहाल यही अपडेट है अभी तो फिलहाल कि हॉलगर 26 न्यू LMG हमारी आने वाली है। फिलहाल आप बात करते हैं गाइस नेक्स्ट गन की। सो भाई नेक्स्ट एक और हमारी गन आ रही है जो कि राइफल है, MK2 कार्बिन राइफल। सो भाई MK2 कार्बिन राइफल आने वाली है हमारी, जो कि मतलब सही होने वाली है, और ये गाइस 100% कंफर्म है कि आपको सीजन 4 के अपडेट के साथ देखने को मिलेगी। एंड गाइस ये मतलब काफ़ी मुझे सही लगी अपनी जगह पर, हमारे गेम में काफ़ी कम मार्क्समैन राइफल्स हैं, एंड ये जो मार्क्समैन राइफल है गाइस ये 1895 विंचेस्टर मॉडल पे बेस्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक वेपन थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। फिलहाल आप देखते हैं ये वाली आपको 100% देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं गाइस यहाँ पर हम अपने न्यू कैरेक्टर्स की। एंड गाइस पहला कैरेक्टर आप हमारा देख सकते हो कुछ इस तरीके का होने वाला है और ये हमें सीजन 4 के अपडेट में देखने को मिलने वाला है, जो कि मतलब काफ़ी सही होने वाला है। अगला कैरेक्टर मतलब मुझे इतना खास नहीं लगा, बट हाँ ठीक ठाक है, सही कैरेक्टर है। आप कमेंट सेक्शन में बताना ये पहला आपको कैरेक्टर कैसा लगा। एंड साथ में फीमेल कैरेक्टर भी मैं आपको दिखा दूँ, फीमेल कैरेक्टर हमारा कुछ इस तरीके की होने वाली है, ठीक है। फीमेल कैरेक्टर मतलब वो फीमेल कैरेक्टर मुझे ज़्यादा सही लग रही है उसके अकॉर्डिंग तो। एंड जो मेल कैरेक्टर जो था मतलब उसके जैसा हमारे पास पहले से कैरेक्टर आ चुका है गेम के अंदर। फिलहाल मुझे तो मतलब दोनों ही सही लगे, आप बताना आपको सभी अपडेट्स कैसी लगी, और ये सभी अपडेट गाइस 90%+ कन्फर्म है, ठीक है, कि आपको अपने गेम में देखने को मिलेगी एज अ सीजन 4 अपडेट। एंड गाइस कल आपको गेम में गाइस और भी नए क्रेट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, होप कि वीडियो मज़ा आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए एक लाइक दे दो, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो भाई मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से रिलेटेड सभी अपडेट लीक्स वगैरह चैनल पे देता रहूँगा सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।